साथियों, शिक्षा विभाग से एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है। अतिशय शिक्षक फिर भी हो रहे स्कूल शिक्षक विहीन। देखते हैं क्या है फुल अपडेट। इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। जिले में 393 अतिशय शिक्षक पदस्थ होने के बावजूद भी जिले के कुछ सरकारी स्कूल एक शिक्षक के लिए तरस रहे हैं। शिक्षा विभाग के एजुकेशन पोर्टल के अनुसार जिले में 22 स्कूल आज भी शिक्षक विहीन है। इन स्कूलों में शिक्षा विभाग एक भी शिक्षक नियुक्त नहीं कर पाया है। स्कूल में एक भी शिक्षक ना नियुक्त होने के कारण इन स्कूलों में ताले नहीं खुल रहे हैं। वहीं जिले के 172 सरकारी स्कूल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। शिक्षकों की नियुक्ति न होने से इन स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। तो जहां कई शिक्षकों को अतिशेष किया जा रहा है, लेकिन उन्हें अच्छे स्कूलों में भेज दिया जा रहा है, शिक्षक विहीन स्कूलों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके चलते कई स्कूल अभी भी शिक्षक विहीन बने हुए हैं और कुछ स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शिक्षक विहीन स्कूलों में अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना नहीं की जा रही है, जबकि जहाँ पहले से शिक्षक पदस्थ हैं वहाँ इन शिक्षकों को पदस्थ किया जा रहा है, जहाँ शिक्षकों की कमी नहीं है। ऐसे में कैसे स्कूल चले हम? जिले के शिक्षक विहीन सरकारी स्कूल प्रभारी के भरोसे चल रहे हैं। इससे कई दिन तक इन स्कूलों में ताले नहीं खुलते हैं। स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति ना होने से इनमें पढ़ने वाले छात्र भी स्कूल आने में रुचि नहीं ले रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों को सुबह स्कूल भेजते हैं, लेकिन शिक्षक न होने के कारण स्कूल नहीं लगते। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिक्षक विहीन और एक शिक्षकीय स्कूलों में पढ़ाई होने से अभिभावक और बच्चों का नाम कटवा रहे हैं, निजी स्कूलों में भेजने को मजबूर हैं। तो यह थी शिक्षक विहीन स्कूलों के संबंध में लेटेस्ट अपडेट। कई शिक्षक जहां अतिशेष हो रहे हैं, लेकिन शिक्षक विहीन स्कूलों में शिक्षकों की पूर्ति नहीं की जा रही है, वहां शिक्षकों को नहीं भेजा जा रहा है। तो सरकार को इस कदम उठाने चाहिए, शिक्षक विहीन स्कूलों में शिक्षक उपलब्ध कराने चाहिए, नहीं तो कई स्कूल बंद होने की कगार पर पहुँच गए हैं। तो इस तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद दोस्तों।